दोस्तों, इस सवाल है आपका एफ ए ऑनलाइन क्लासेस में उर्दू जबान सीखने की जानिब पहला कदम। इस ताल्लुक से आपके सामने तीन वीडियोज आ चुकी हैं जिनमें हमने उर्दू के हरूफ का पहचानना और उर्दू से मुतालिक चंद बुनियादी बातें सीखी। आज की इस वीडियो में हम अपनी दर्जी किताब से एक सबक के मुख्तलिफ पैराग्राफ पढ़कर उनके सवाल और उस पैराग्राफ की मदद से सवालों के जवाब कराएंगे। आपकी दर्जी किताब का नाम है अपनी जबान। ये किताब NCERT की किताब है जो आपको किसी भी बुक सेलर से बआसानी मिल जाएगी। तो अज़ीज़ तलबा, आपकी किताब अपनी जबान छठी जमात के लिए उर्दू की दर्सी किताब। सबक नंबर 3, अकलमंद किसान, जो सफ़ा नंबर 11 से शुरू होता है। ये लोक कहानी है, यानी पुराने ज़माने की एक कहानी है जिसमें एक राजा जो अपनी प्रजा की हालत जानने के लिए भेष बदल कर निकला करता था और वो मुख्तलिफ लोगों से मिलकर अपनी प्रजा के हालात मालूम करने की कोशिश करता था। एक दिन उसकी मुलाकात एक किसान से हो जाती है जो अपने खेत पर काम कर रहा था। राजा उसके पास जाता है और पूछता है कि तुम इसमें खेत से कितना कमा लेते हो। किसान बहुत अकलमंद और समझदार था, उसने राजा को जवाब दिया, बस यूँ समझ रही है कि एक रुपया रोज़ मैं अपने इस खेत से कमा लेता हूँ। राजा से सवाल करता है कि फिर उस एक रुपये का तुम क्या करते हो। किसान उसके जवाब देता है कि उस एक रुपये में 4 आने तो मैं खा लेता हूँ, 4 आने का कर्ज उतारता हूँ और 4 आने कर्ज देता हूँ। अब बाकी भाई 4 आने तो उन्हें मैं कुएं फेंक देता हूँ। राजा किसान की बात सुनकर हैरान हुआ, उसने पूछा, मैं तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझा। किसान उसको कहता है कि इसका मतलब यह है कि जो 4 आने में खाता हूँ वो तो मैंने और मेरे बीवी बच्चों पर खर्च होते हैं, 4 आने का जो मैं कर्ज उतार देता हूँ इसका मतलब यह है कि 4 आने में अपने माँ और बाप पर खर्च करता हूँ। उन्होंने मुझे पालने पोसने पर जो खर्च किया है वो मुझ पर कर्ज है, इसलिए इसका मतलब है कि मैं 4 आने कर्ज देता हूँ, वो मैं अपने बच्चों पर खर्च करता हूँ ताकि जब मैं बूढ़ा हो जाऊँ तो वो मेरी खिदमत कर सकें। जो 4 आने में कुएं फेंकता हूँ इसका मतलब है कि मैं उनको खैरात कर देता हूँ। राजा ने जवाब सुनकर बहुत खुश हुआ, उसने किसान को इनाम दिया, साथ साथ एक शर्त लगा दी कि जब तक मेरा मुंह तुम 100 बार ना देख लो अपनी ये बात किसी को ना बताना। किसान ने वादा कर लिया और राजा अपने महल वापस चला गया। अगले दिन राजा ने दरबारियों को इकट्ठा करके पूछा कि मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, इसका मतलब जो बताएगा उसको इनाम मिलेगा। राजा ने वही किसान वाली बात अपने दरबारियों से पूछी लेकिन राजा की बात का मतलब कोई नहीं बता सका। राजा का जो वजीर था वो बहुत होशियार था, वो उसने कहा कि मैं अगले दिन इस बात का मतलब बता दूंगा। वो उसी दिन किसान के पास गया और किसान से इस बात का मतलब पूछा। किसान ने कहा, राजा ने मुझसे वादा किया है कि जब तक मैं 100 बार उसका मुंह ना देख लूँ
तुम्हें इस बात का मतलब मैं नहीं बता सकता। वजीर ने कहा कोई तरकीब बताओ, मैं राजा से वादा कर चुका हूँ कि कल इसका मतलब बताऊंगा। किसान कुछ देर सोचता रहा, फिर उसने कहा कि एक तरकीब है, मुझे तुम 100 शर्तें दो, मैं तुम्हें ये बात बता दूंगा। वजीर जो था वो इसके लिए तैयार हो गया, उसने किसान को 100 शर्तियाँ दी। किसान बहुत खुश हुआ, उसने वजीर को सब कुछ बता दिया। अगले दिन दरबार में राजा ने वजीर से किसान की बात का मतलब पूछा, तो वजीर ने किसान की बात का ठीक ठीक मतलब बता दिया। राजा को किसान पर बहुत गुस्सा आया, उसने फौरन सिपाही भेजकर किसान को दरबार में बुला लिया। किसान दरबार में आया तो राजा ने कहा, तुमने मुझसे वादा किया था कि अपनी बात का मतलब किसी को नहीं बताओगे, लेकिन तुमने वजीर को सब कुछ बता दिया, तुमने वादा खिलाफी क्यों की? किसान ने कहा, सरकार आपसे वादा किया था कि जब तक मैं आपका मुंह 100 मरतबा ना देख लूँ, इस राज को किसी को ना बताऊँ। राजा ने कहा, ठीक है, मगर तुमने अभी एक मरतबा मेरा मुंह नहीं देखा। किसान ने कहा, नहीं सरकार, मेरे पास 100 अशरफियाँ हैं, उन पर आपकी तस्वीर बनी है, मैंने 100 अशरफियों को देख कर ही ये बात बताई है, यानी अशरफियों के ऊपर जो तस्वीर है उसको मैंने 100 अशरफियों की तस्वीर 100 बार देख ली। राजा किसान की अकलमंदी पर बहुत खुश हुआ और उसने उसे 100 अशरफियाँ और इनाम में दी। किसान खुश खुश राजा को दुआएं देता हुआ अपने घर चला गया। तो ये इस कहानी का खुलासा था जो अभी मैंने आपको बताया कि किसान ने किस तरह अपनी अकलमंदी से इनाम भी पा लिया और राजा को भी खुश कर दिया। इस सबक का पहला पैराग्राफ यहाँ से शुरू होता है। पुराने ज़माने में भारत में यहाँ से लेके और तुम इस खेत से कितना कमा लेते हो। सामने बोर्ड पर देखिए आप, ये मैंने पहला पैराग्राफ जो है ये मुख्तसर लिख दिया, बीच में डॉटेड है। आप किताब में से पहले पैराग्राफ को ध्यान से पढ़िए, समझिए और उसके बाद में यहाँ जो पहला सवाल मैंने दिया हुआ है वो है, राजा महल से बाहर क्यों निकलता था? ये हमारा पहला सवाल है, इसका जवाब आपको इसी पहले पैराग्राफ में मिल जाएगा। ये सवाल लिखिए अपनी कॉपी में और उसके नीचे उसका जवाब लिख दीजिए पैराग्राफ में से तलाश करके। जब आपका जवाब पूरा हो जाए तो दो लाइनें छोड़ दीजिए और फिर सवाल नंबर 2 डालिए और दूसरा सवाल लिखिए, राजा ने किसान से क्या पूछा? इस सवाल का जवाब भी आपको इसी पहला पैराग्राफ मिल जाएगा। जवाब तलाश कीजिए और उस जवाब को इस सवाल के नीचे लिख दीजिए, फिर 2 लाइनें छोड़ दीजिए और सवाल नंबर 3 डाल दीजिए। इसके बाद हमारा दूसरा पैराग्राफ शुरू होता है। किसान ने जवाब दिया, यहाँ से लेके फेंक देता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ बोर्ड पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। इस दूसरे पैराग्राफ में से सवाल है, किसान ने राजा को क्या जवाब दिया? इस तीसरे सवाल का जवाब भी आपको इस दूसरे पैराग्राफ में मिल जाएगा। सवाल नंबर 3 के नीचे उसका जवाब लिख दीजिए, फिर 2 लाइनें छोड़ दीजिए और सवाल नंबर 4 जो यहाँ लिखा हुआ है, अपनी आमदनी को खर्च करने का किसान ने क्या हिसाब दिया? जो कुछ उसने किसान ने राजा को बताया था कि मैं अपनी आमदनी को किस तरह खर्च करता हूँ, इसका जवाब भी आपको इस दूसरे पैराग्राफ में मिल जाएगा। वो जवाब आप इसके नीचे लिख दीजिए, फिर 2 लाइनें छोड़कर सवाल नंबर 5 डालिए और उसके बाद हम तीसरे पैराग्राफ पर पहुँचेंगे। तो अजीज तलबा, हमारा तीसरा पैराग्राफ यहाँ से शुरू होता है। राजा किसान की बात सुनकर, और ये पैराग्राफ हमारा वापस चला आया, यहाँ पर पूरा होता है। आप इस पैराग्राफ को तवज्जो के साथ पढ़िए, समझिए और इस पैराग्राफ में से हम आपको 2 सवाल दे रहे हैं, उन सवालों के जवाब तलाश करके इन सवालों के नीचे लिखिए उनके जवाब।
तरतीब के हिसाब से हमारा ये पांचवा सवाल है। सवाल है, किसान ने अपनी बात का क्या मतलब बताया। ये सवाल लिखिए और उसके नीचे उसका जवाब लिख दीजिए, फिर दो लाइनें छोड़िए और सवाल नंबर 6 लिखिए, राजा ने किसान से क्या वादा लिया। किसान से जो वादा लिया था राजा ने, वो आप इस सवाल के नीचे जवाब में लिख दीजिए और फिर तरतीब के हिसाब से 2 लाइनें छोड़ दीजिए। और अगला सवाल जो सवाल नंबर 7 है वो लिखिए, लेकिन इससे पहले 4th पैराग्राफ जो है वो ध्यान से पढ़िए, क्योंकि इस सवाल का जवाब 4th पैराग्राफ में मिलेगा आपको, जो यहाँ से शुरू होता है, वजीर ने कहा। और ये पैराग्राफ हमारा राज किसी को ना बताऊँ यहाँ तक आके पूरा होता है। सवाल नंबर 7 है, अगले दिन राजा ने दरबार में क्या कहा। दरबार में जब राजा ने दरबारियों को इकट्ठा किया, जमा किया, तो क्या कहा दरबार में राजा ने, वो जवाब आप इसमें लिखेंगे नीचे। और फिर 2 लाइनें छोड़कर सवाल नंबर 8 जो हमारे 4th पैराग्राफ में ही मिलेगा आपको, सवाल नंबर 8 है, किसान ने वजीर को क्या जवाब दिया। किसान ने वजीर को जो जवाब दिया था वो आप इस सवाल के जवाब में लिख दीजिए और फिर 2 लाइनें छोड़ दीजिए। और अगला सवाल जो है सवाल नंबर 9, वो 5वें पैराग्राफ में मिलेगा आपको। 5वां पैराग्राफ है हमारा, यहाँ से शुरू होता है, वजीर ने कहा। और ये पैराग्राफ राज किसी को ना बताऊँ यहाँ पर आगे पूरा होता है। सवाल नंबर 9, किसान ने वजीर को क्या तरकीब बताई। इस 5वें पैराग्राफ में से आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। ये सवाल लिखिए और उसका जवाब लिखिए अपनी कॉपियों पर, तो 2 लाइनें छोड़ दीजिए। और सवाल नंबर 10 लिखिए, राजा को किसान पर गुस्सा क्यों आया। इस सवाल का जवाब भी आपको इसी 5वें पैराग्राफ में मिलेगा। जैसे कि मैंने आपको इस सबक का खुलासा बताते वक्त बता दिया था, और इस पैराग्राफ में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। इसका जवाब लिखिए और फिर 2 लाइनें छोड़ दीजिए। सवाल नंबर 11 लिखेंगे आप, लेकिन इससे पहले 6ठा पैराग्राफ यहाँ से पढ़िए। हाँ ठीक है, और ये पैराग्राफ आखिरी पैराग्राफ है, जो अपने घर चला गया यहाँ तक होता है। सवाल नंबर 11 लिख दीजिए 2 लाइनें छोड़कर, किसान ने राजा को क्या जवाब दिया जिससे राजा खुश हो गया। ये इस आखिरी पैराग्राफ में आपको इसका जवाब मिलेगा। इसका जवाब लिख दीजिए और 2 लाइनें छोड़कर फिर सवाल नंबर 12 लिखिए। सवाल नंबर 12 है, राजा ने किसान को क्या इनाम दिया। इस सवाल नंबर 12 का जवाब आपको इसी आखिरी पैराग्राफ में मिल जाएगा। तो यहाँ तक आपके इस सबक से मुताल्लिक 12 सवाल और उनके जवाब आपको लिख रहे हैं। ये आपका एक सबक पूरा हो जाता है। इसके बाद आपकी अगली क्लास में मुलाकात होगी। लेकिन इसी के साथ वालदैन से मेरी दरख्वास्त है कि अपने बच्चों को काम करने की तरगीब दें, क्योंकि ये काम बहुत ज़रूरी है। इस वक्त स्कूल बंद है, लेकिन पढ़ाई करने का सिर्फ यही एक तरीका है। इस तरह से अपने बच्चों की पढ़ाई कराएं। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।